आज हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग लेंगे। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आज मॉडर्न टाइम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टेस्ट है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आपने सुना होगा, डीएनए टेस्ट कर लिया। डीएनए टेस्टिंग या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को हम डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग ये एक बिल्कुल न्यू टेक्निक है जिसमें हम किन्हीं दो सैंपल का डीएनए टेस्ट करते हैं। ये आजकल क्राइम में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एक इस चीज का ज्ञान भी होगा और आपको ये जानना भी चाहिए कि अगर डीएनए मैच कर जाता है तो गवर्नमेंट ने सारी दुनिया में ये एक बहुत बड़ा क्लू माना जाता है। किसी भी केस में अगर डीएनए मैच है तो उसमें आपको विटनेस की जरूरत नहीं पड़ती, गवाह की जरूरत नहीं पड़ती। डीएनए मैचिंग इज द बेस्ट प्रूफ और इट इज द बेस्ट विटनेस फॉर ए पर्टिकुलर केस। कई बार क्या होता है कि सपोज करो किसी आदमी ने कोई क्राइम कर दिया, किसी ने किसी को मार दिया या कोई अपराध किया और उस अपराध वाली जगह से डीएनए कलेक्ट किया और वो डीएनए मैच करता है तो इसका मतलब डेफिनेट है कि वो आदमी उस जगह था और जिस आदमी ने क्राइम किया है। तो जो डीएनए मैचिंग है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो 1984 में 1984 एक साइंटिस्ट था एलेक जेफरी, उसने ये टेक्निक डेवलप की और ये टेक्निक एक प्रैक्टिकल मेथड पे बेस है। हमें पता है सभी आदमी में, सभी ह्यूमन बीइंग्स में अमाउंट ऑफ डीएनए सेम है। ये लगभग 2.2 मीटर हमने पहले लिया था, इतना लंबा डीएनए है। हमारे डीएनए में लगभग 6×10⁻⁹ इतने बेस पेयर हैं और ये जो बेस पेयर हैं इनमें डिफरेंस होता है। हर आदमी का डीएनए दूसरे पर्सन के डीएनए से डिफरेंट है। द डीएनए ऑफ एवरी पर्सन इज यूनिक, उस डीएनए की वजह से उसकी प्रॉपर्टी है। मेरा डीएनए और आपका डीएनए डिफरेंट है, मेरे डीएनए में जो प्रॉपर्टी है, मेरे डीएनए में जो सीक्वेंस है वो आपके डीएनए में नहीं है। लेकिन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहता है कि अप्रोक्सीमेटली 99% डीएनए ऑफ एवरी पर्सन इज सेम। हर आदमी का 99% डीएनए सेम होता है, केवल 1% के आसपास डीएनए में डिफरेंस है। और ये जो डीएनए में डिफरेंस है इस डिफरेंस को हमने देखना है और इस डीएनए डिफरेंस में एक और क्लू देखा गया कि मैनी सेगमेंट ऑफ डीएनए आर रिपीटेड मैनी टाइम्स एंड नोन एज वेरिएबल टेंडम रिपीट। कई बार एक छोटा सा डीएनए का सेगमेंट बिना जीन के, जीन के अलावा ये सबके डीएनए में रिपीटिंग है, थोड़ा थोड़ा पार्ट डीएनए में रिपीट होता है, ये कई बार रिपीट होता है, मेनी टाइम्स रिपीट होता है। इसको हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। दीज सेगमेंट्स आर नोन एज सैटेलाइट डीएनए एंड डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ सैटेलाइट इज आल्सो मे बी माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। The DNA that is to be repeated is very small, that is micro. If the length is very small, that is micro. If some larger, that is mini. So the satellite DNA may be of different type, of many types, depending upon the length, micro satellite, mini satellite, mega satellite, depending upon the length of the DNA, this is of different type. अब इस technique में हमने क्या करना है? ये satellite DNA ही trace करना है। This satellite DNA is to be traced and that is to be matched.
अब कैसे हम सैटेलाइट डीएनए को ट्रेस करेंगे, कैसे हम मैच करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहला है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। जैसा कि हम जानते हैं एवरी सेल हैव सेम अमाउंट ऑफ डीएनए, हमारी शरीर की हर सेल में डीएनए के अमाउंट लगभग सेम है। डिप्लॉयड सेल में जो डीएनए की लेंथ है वो बराबर है, तो हम किसी भी सेल से डीएनए ले लेते हैं। इसके लिए बॉडी की कोई भी सेल ली जा सकती है, दैट में बी ब्लड सेल, दैट में बी स्किन सेल, दैट में बी एनी टाइप ऑफ सेल फ्रॉम द बॉडी कैन बी टेकन फॉर द आइसोलेशन ऑफ डीएनए एंड द डीएनए ऑफ दैट सेल इज एक्सट्रैक्टेड। लेकिन अब हम इस डीएनए को फ्रैगमेंट में तोड़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे, फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए। फ्रैगमेंट बना के हम इसको एम्प्लीफिकेशन करेंगे। अगर ये डीएनए पुअर कंडीशन में है, कम है, तो हम इसकी कॉपी बनाएंगे एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब है हम उस डीएनए की कॉपी बनाते हैं, इस कॉपी के लिए हम स्पेशल रिएक्शन करते हैं, दैट इज पीसीआर। पीसीआर का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच द डीएनए में बी रिप्लीकेटेड आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर हम डीएनए की कई सारी कॉपी बना लेते हैं पीसीआर के द्वारा, तो हमारे पास वो डीएनए जो पूर्व कंडीशन में है वो डीएनए एनिश कंडीशन में हो जाता है। द डीएनए इज नाउ अवेलेबल इन प्लेंटी अमाउंट एंड मेनी कॉपीज ऑफ द सेम डीएनए आर मेड। एक पीसीआर के बाद एक डीएनए की कॉपी बन जाएंगी दो, दूसरे के बाद इसकी कॉपी बन जाएंगी चार, और तीन पीसीआर के बाद इसकी कॉपी बन जाएंगी आठ। फिर पीसीआर करो हर एक की दो दो कॉपी, तो इस तरह से ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम डीएनए को मल्टीप्लाई करवाते हैं आउटसाइड द सेल, और इस तरह से हमारे पास डीएनए की कई कॉपी आ जाती है। फिर हम इसको क्या करते हैं, हम इसमें वो जो टेंडम रिपीट है, वेरिएबल टेंडम रिपीट वीटीआर, उन टेंडम रिपीट को सेपरेट करके, इसको सेपरेट करने के लिए एक टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसमें चार्ज और अनचार्ज पार्टिकल अलग किए जाते हैं। डीएनए एक चार्ज मॉलिक्यूल है, दैट में बी इजीली सेपरेटेड बाई दी टेक्निक ऑफ, क्योंकि डीएनए एक एसिड है, एसिड में आपको पता है हाइड्रोजन आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन चला जाएगा तो डीएनए पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएंगे, एंड दस बाई दी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक दिस डीएनए सेपरेट। एंड नाउ दोज टेंडम रिपीट वीटीआर सेक्शन आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर अकरेंस। कितने वीटीआर सेक्शन किसी क्रोमोसोम पे है, हर क्रोमोसोम के वीटीआर सेक्शन को हम अरेंज कर लेते हैं, एंड बाय दी ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक। ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक इज दैट टेक्निक इन विच डीएनए प्रोब मे बी मेड रेडियोएक्टिव एंड द इमेज ऑफ दैट रेडियोएक्टिव प्रोब मे बी टेकन ऑन ए एक्सरे शीट। तो हमें जितने भी वीटीआर हैं उन सब की इमेज क्रम से सिक्वेंसली हमारी एक शीट पे आ जाएगी। ये हमारी एक शीट है, इस शीट पे हम मान लो पहले क्रोमोसोम में रैंडम रिपीट पांच हैं, तो उसकी लेंथ के हिसाब से दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू लेंथ। किसमें कितनी लंबाई टेंडम रिपीट सेक्शन की है, टेंडम रिपीट पार्ट की है, वो हम इस पे अरेंज कर लेते हैं, वे चार्ज के हिसाब से सेपरेट हो जाते हैं, और इस तरह से हमें डिफरेंट सेगमेंट मिल जाते हैं वीटीआर के द्वारा। ये हम इनको अलग करके इनकी लेंथ के हिसाब से हम अरेंज कर लेते हैं। तो हमने ये अरेंज कर लिया एक स्लाइड के ऊपर, इसके 11th क्रोमोसोम में कितने वीटीआर है उसकी लंबाई।
किसी पार्टनर क्रोमोसोम में इतनी है, ये पहले क्रोमोसोम में है। सातवें क्रोमोसोम में मान लो ये लंबाई इतनी है, नाइन्थ क्रोमोसोम में ये लेंथ इतनी है। जनरली दे आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, जिसमें ज्यादा है उसमें ज्यादा लंबा पहले रेंज होगा, छोटा बाद में रेंज होगा। इट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहां हम टोटल डीएनए को सेपरेट करके किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम वाइज आदमी का डीएनए अलग कर लिया, और डीएनए के जो वीटीआर है वो अलग कर लिए, वो स्लाइड पे हमने रेडियोएक्टिव बना के उनका हमने एक ये इमेज बना दी, इसको कहते हैं डीएनए इमेजिंग। अब जिससे हमें इसको टेस्ट करना है, सपोज करो हमने किसी दूसरे आदमी से डीएनए लिया, सेम टेक्निक इज यूज फॉर द पर्सन हुज डीएनए इज टू बी मैच्ड। हमने दूसरे आदमी से डीएनए लिया और उसकी भी हमने इमेज बनाई, और उसकी इमेज में और इसकी इमेज में हम फिर मैच करके देखते हैं। यहां मैचिंग में भी डिफरेंस है, मैचिंग भी कई तरह से की जाती है। सपोज करो हम देखना चाहते हैं पैटर्निटी और मैटर्निटी, पेरेंटल केस हम किसी बच्चे का टेस्टिंग करना चाहते हैं, इस बच्चे के माता पिता का डीएनए और बच्चे का डीएनए कितना है कैसे है। तो पहले हमने उसके एक पेरेंट का किसी एक पेरेंट का डीएनए मैचिंग किया, ये मान लो उसके फादर का डीएनए प्रोफाइल है, और इसमें दोनों क्रोमोसोम का होता है, एक जो हर डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म में पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ये 11th पेयर है तो 11th के पहले क्रोमोसोम का और ये दूसरे क्रोमोसोम का डीएनए प्रोफाइल है। इसी तरह 7th पेयर है, ये पहले का है ये दूसरे का है, ये 3rd पेयर है ये पहले का है ये दूसरे का है। तो इस तरह से हम सभी क्रोमोसोम का डीएनए प्रोफाइल तैयार कर लेते हैं, डिफरेंट क्रोमोसोम सो डिफरेंट पैटर्न ऑफ दिस बेंडिंग, और इस बेंडिंग में जो हमारे पास डीएनए प्रोफाइल आया इसमें मान लो फादर का डीएनए है ये, फिर हम बच्चे का डीएनए देखते हैं, बच्चे के डीएनए का भी ऐसे ही एक प्रोफाइल तैयार करेंगे, उसमें भी एक क्रोमोसोम इसमें मां से आया एक क्रोमोसोम बाप से, बच्चे में इस पेरेंट्स का फादर का एक क्रोमोसोम होगा एक क्रोमोसोम मदर का होगा, इसका भी हम डीएनए प्रोफाइल तैयार करते हैं। तो हम देखेंगे अगर इसका एक क्रोमोसोम का डीएनए मैच कर जाता है, मान लो ये लेंथ और ये सेम है, ये लेंथ और ये लेंथ भी हो सकती है, मान लो ये दोनों सेम है और ये सेम है, तो कह देंगे दिस चाइल्ड बिलोंग्स टू दैट पेरेंट्स, क्योंकि इसका डीएनए देखो इसमें यहां एक अंडरस्टैंडिंग बात यह है कंप्लीट डीएनए मैच नहीं करेगा इसका, क्योंकि इस बच्चे में इसका फादर का या मदर का हाफ डीएनए है, हाफ डीएनए इसमें एक पेरेंट से हाफ डीएनए दूसरे पेरेंट से है, तो इस बच्चे का ये जो हाफ डीएनए जो इससे मैच कर गया वो तो एक पेरेंट से मैच करेगा। अगर हम दूसरे पेरेंट के मान लो ये फादर का डीएनए है और हम मदर का डीएनए लें तो ये जो बच गया ये मदर के डीएनए से मैच करेगा। तो ये केस तो है पैटर्निटी सोल्व करने का, हमें ये पता लग जाता है ये बच्चा किसका। कई बार क्या होता है कि किसी मिस हैपनिंग में सपोज करो कोई क्राइम है, किसी आदमी ने किसी लेडीज के साथ किसी गर्ल्स के साथ रेप किया और वो प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा है, उसको नहीं पता है बच्चा किसका है, तो ये उसके लिए ये पैटर्निटी टेस्ट हम कर सकते हैं। हम उस आदमी का जिसपे शक है उसका डीएनए लेंगे, उसका डीएनए प्रोफाइल करेंगे, डीएनए प्रोफाइल से उस बच्चे का डीएनए टेस्टिंग कर लेंगे, और डीएनए टेस्टिंग करके हमें पता लग जाएगा कि ये अगर डीएनए मैचिंग है तो ये बच्चा उसका है, नहीं तो नहीं है, पहली बार। इसी तरह हम मदर का मैटर्निटी, कई बार क्या होता है हॉस्पिटल में बच्चे गुम हो जाते हैं, हम जानते हैं कई बार कोई बच्चे को चोरी करके ले जाता है, कई बार किसी पार्टिकुलर उस पर एक ही जगह बच्चे गुम हो जाते हैं, तो वहां बेस्ट टेक्निक टू चेक द पैटर्निटी इज और मैटर्निटी और द चाइल्ड बिलोंग्स टू होम इज द टेस्टिंग ऑफ डीएनए। डीएनए टेस्टिंग से हम ये पता लगा लेते हैं ये बच्चा किसका है, इस माँ का बच्चा कौन सा है। सपोज करो एक बार कभी अंधेरे में या किसी उसमें कई बच्चे पैदा हुए, हॉस्पिटल में बड़ा हॉस्पिटल है,
और उन बच्चों की केयर नहीं हुई, गलती किसी कारण से वो बच्चे ऐसे ही रख दिए गए, किसको पता को इसका बच्चा कौन सा है। इसके लिए ये टेक्निक जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ये टेक्निक बेस्ट टेक्निक है। इस टेक्निक का 100% करेक्ट है। इस टेक्निक में गलती की संभावना बहुत कम है, बशर्ते कि डीएनए ठीक लिया जाए। इसके अलावा दूसरा इसका जो है क्राइम का सोल्यूशन, क्राइम मान लो कहीं कोई क्राइम होता है, कोई घटना होती है, जनरली जहां क्राइम होता है, सपोज करो किसी आदमी ने किसी आदमी का मर्डर कर दिया, या कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी को चक्कू मार दिया, या कोई ऐसा हो गया, उनमें आपस में कोई खींचातानी होती है, तो ऐसे केस में उसकी एक दो सेल वहां जरूर गिर जाती है। हम जानते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल हर टाइम डेड होती रहती है, और डीएनए डेड सेल में भी होता है। तो जब हम लड़ते झगड़ते हैं या कहीं मार पिटाई होती है या कहीं खींच खिंचान होती है या कहीं कोई ऐसी वो होती है, केस में सम सेल्स ऑफ द बॉडी फॉल्स एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, और उन सेल को हम कलेक्ट कर लें। मान लो किसी जगह से हमें ये चार सेल मिली, इन चारों सेल को हम डीएनए टेस्ट करें, इनका डीएनए प्रोफाइलिंग करें। डीएनए प्रोफाइल करके हमारे पास एक इसका प्रोब आ जाएगा, एक इसका इमेज आ जाएगी, एक हमारे पास एक स्लाइड के ऊपर एक एक्सरे फिल्म के ऊपर इसका डीएनए की ऐसे ये प्रोब आ जाएगा। इस डीएनए प्रोब में जो हमारे पास प्रोब आया है, इनमें से हम उस आदमी पे जिस पे शक है कि दैट पर्सन में बिलोंग प्लेस, उस टाइम वो आदमी वहां पर था, उस जगह वो आदमी उपस्थित था, उस आदमी का डीएनए लेंगे। जब हम उस आदमी का डीएनए और उसका डीएनए का भी इसी तरह से हम इमेजिंग करेंगे, अगर उसका डीएनए इन किसी डीएनए से यहां 100% मैचिंग होगी। ध्यान रखें बच्चे के केस 50 मैचिंग है, क्योंकि बच्चे में आधा डीएनए एक पेरेंट से, आधा डीएनए दूसरे पेरेंट से। तो बच्चे का जब हम इमेजिंग करेंगे तो उसमें हमें आधा डीएनए मैच करेगा। डीएनए इमेज में जो डीएनए के जो फिंगरप्रिंट है, दो प्रिंट विल बी हाफ फ्रॉम मदर एंड हाफ फ्रॉम फादर। सो यहां 50% मैचिंग होगी, यहां 100% मैचिंग होगी। कंप्लीट मैचिंग होती है तो मानेंगे कि ये इसी आदमी का डीएनए है, और अगर इसमें मैचिंग नहीं होती तो हम कह देंगे ये डीएनए। यहां एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि किन्हीं दोनों का डीएनए कभी सेम नहीं होता। इन केस ऑफ ओनली आइडेंटिकल ट्विन, जिनको हम मोनोजाइगोटिक ट्विन कहते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन आर दोज ट्विन विच आर फॉर्म फ्रॉम सेम जाइगोट। कभी कभी जाइगोट डिवीजन कर जाता है, दो टुकड़ों में टूट जाता है, ये जाइगोट दो टुकड़ों में टूटा, एंड ईच पार्ट विल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। इस तरह जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो आइडेंटिकल ट्विन कहलाते हैं, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। आइडेंटिकल ट्विन्स वो ट्विन्स हैं जो जाइगोट के टूटने से बनते हैं। एक ही जाइगोट किसी भी कारण से टूट जाता है और वो ट्विन्स में डेवलप होती है। ट्विन्स आर नोन एज आइडेंटिकल ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स एक दूसरे की फोटोकॉपी होते हैं। दे आर टू आइडेंटिकल दैट इवन समटाइम्स देयर पेरेंट्स कैन नॉट रिकॉग्नाइज देम। उनके पेरेंट्स भी कई बार उनको नहीं पहचान सकते। हम और आप और या दोस्तों बड़ी मुश्किल पहचानते हैं, लेकिन फिर भी उनमें बिल्कुल एक सा, उनकी शक्ल भी एक सी होगी, उनकी बॉडी फीचर्स भी एक से होंगे, उनका कलर भी एक सा होगा, उनमें वेरिएशन नेग्लिजेबल होता है, उनका डीएनए बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, बिकॉज दे आर डेरिवेशन फ्रॉम द सेम सेल। एक ही जाइगोट से वो बने हैं, उनमें एक ही जाइगोट का डीएनए, उनमें सब कुछ सिमिलर है। ऐसे केस में ये जो डीएनए है, ये डीएनए टोटली आइडेंटिकल है, और ये डीएनए आइडेंटिकल होने की वजह से, तो ऐसे केस में तो जहां मोनोजाइगोट ट्विन है, डीएनए इज टोटली आइडेंटिकल। नहीं तो इसके अलावा हर ऑर्गेनिज्म का डीएनए डिफरेंट है। एवरी पर्सन हैव डिफरेंट डीएनए। एक बच्चे का डीएनए अपने पेरेंट से 50% ही मिलता है। मां से 50% मिलेगा, बाप से 50% मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। भाई बहन के डीएनए में भी डिफरेंट होता है। बहन का डीएनए कभी भी एक जैसा नहीं होता, केवल मोनोजाइगोटिक ट्विन को छोड़ के बाकी सबके डीएनए में डिफरेंस है, और ये डीएनए सबका यूनिक है। सबके डीएनए में जो यूनिकनेस है, दैट इज ए स्पेशल फैक्टर फॉर दी टेस्टिंग ऑफ डीएनए। तो डीएनए टेस्टिंग एक मॉडर्न टेक्निक है जो 1984 में मैंने बताया आपको एलिक जेफरी ने शुरू किया, और ये टेक्निक 1986 के बाद इसको कोर्ट में एविडेंस माना जाने लगा, क्योंकि इसमें गलती की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। ये सारा टेस्ट कंप्यूटराइज टेस्ट है, इसमें डीएनए लेते हैं, सारी टेक्निक साइंटिफिक टेक्निक है, एंड दिस डीएनए प्रोब इज जनरली ऑलवेज करेक्ट, देयर इज नो एनी मिस्टेक इन द डीएनए।
और ये डीएनए जो टेस्टिंग है, डीएनए प्रोफाइलिंग है, ये बड़े काम की है। इससे हम क्राइम फोरेंसिक साइंस बोलते हैं इसको, दिस साइंस इन विच इट इज यूज फोरेंसिक साइंस, जिसमें हम टेस्ट कर सकते हैं किसी क्राइम को। दूसरा पैटर्निटी या मैटर्निटी, मां या बाप का पैटर्निटी और मैटर्निटी में भी टेस्टेड, और समटाइम्स इट में बी यूज्ड टू नो द पेरेंट्स और द चाइल्ड ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन। हम इसके लिए इसको यूज करते हैं, क्राइम सीन से कोई किसने क्राइम किया या कोई ऐसी चीज है, इसको हम चेक करते हैं। ये आज मॉडर्न साइंस में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसका लिए कोई भी कोर्ट में विटनेस की जरूरत नहीं पड़ती। अगर डीएनए मैच करता है तो उसको कोर्ट भी प्रूफ मानता है। और ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आज थोड़ा सा महंगा है, इसमें कहीं गलती नहीं होती, केवल एक जगह गलती की संभावना है। अगर हमने डीएनए गलत लिया, गलत ढंग से लिया, वो सही डीएनए हम नहीं ले पाए या कंप्लीट डीएनए हमने नहीं लिया, तो उस केस में इसमें गलती होती है। नहीं तो डीएनए प्रिंटिंग फिंगरप्रिंटिंग इज 100% करेक्ट, देर इज नो एनी वेरिएशन, नो एनी डिफरेंस इन दी टेस्टिंग ऑफ डीएनए। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग था, और यही हमारा जेनेटिक्स का लास्ट टॉपिक था। अगले टॉपिक इवोल्यूशन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।